मैं ला रहा हूँ आपके शहर टोरंटो में हम अवार्ड 24 सितंबर 2022 एट फर्स्ट ओंटारियो सेंटर. सो टू बुक अप योर टिकट ऑन 24 सितंबर 2022 एट द फर्स्ट ओंटारियो सेंटर. To book your tickets, log on to humawards.ca. Murshid re, meri bigdi bana de. Bataye mujhe kya hua hai? Dilawar par qatlana hamla hua hai. Thane mein thi. Thane mein thi tum? Ajite, tujhe to pata hai ki mujhe dhake chupe raaz aur ढकी छुपी हसीनाएं खोजने का कितना शौक है. मेरा मतलब बिल्कुल ठीक समझा. इस शहर में हमारे दुश्मनों की कमी नहीं है, सब ताक लगाए बैठे हैं. खामखा ऐसे सियासी रंग क्यों दे रहे हैं? मुझे तंग मत कीजिए. अरे मैं तंग नहीं कर रहा, देखें मैं दोस्त हूँ आपका. आप यहाँ का इलाका सही नहीं, मैं आपको छोड़ दूँ. आपका दिमाग ठीक है? बड़ा चिकना है तुम. इस मोहल्ले में एक भी ऐसा नहीं है जो शीदे के आगे टिक सके. ये क्या चीज है मिस्टर छुई मुई? ये तो आप क्या चाहती हैं कि वो आपके घुटने से लग के बैठे रहें? जवान लड़का है उस घर में, कैसे आपको इजाजत दे तू मेल मिलाप बढ़ाने की? मैंने नौकरी छोड़ दी यहाँ से. मेरे पास जॉब करोगे? आया तो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने था कि उस दिन जो हादसा हुआ सिर्फ तुमने ही मेरी मदद की थी. दिलावर ये है मेरा ऑफिस. नाम तो मैं तुमसे पूछा नहीं. बख्तावर है ढाबे पे, वहां सब मुझे बख्तू कहते थे. आप भी बख्तू कह सकते हैं सर. हाँ तो भाई बख्तू. आने जाने वाले लोगों का ख्याल रखना, ऐसे ही छोटे मोटे काम और होंगे, चाय कॉफी. वैसे पढ़े लिखे हो? जी सर, मैं बीए के एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ. अरे वाह, तो बड़े पढ़े लिखे हो यार. तो ये छोटे मोटे काम छोड़ो, आज से तुम मेरे हो पर्सनल असिस्टेंट. मेरे लिए आने वाली सारी कॉल्स अपॉइंटमेंट सब तुम देखा करोगे. ये कमरा तुम्हारे लिए होगा और यहाँ मैं एक कंप्यूटर सेटअप कर दूंगा तुम्हारे लिए. इस्तेमाल करना आता? नहीं, लेकिन सर मैं बहुत जल्दी सीख जाऊंगा. गुड सर. वो बात वो मैं कह रहा था, एक गुजारिश है सर, वो जब तक एग्जाम नहीं होते क्या मैं पार्ट टाइम आ सकता हूँ? मैं पूरा दफ्तर का काम करके जाया करूंगा. दिल लगा के काम करो और पढ़ाई भी. पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस एक चीज का ख्याल करना बख्तू. जी सर. मुझे झूठ और धोखेबाजी से शदीद नफरत है, ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा. जी सर. जाऊं? जा. चल में साजिश की एक दलदल है, मखमल के इन लहजों से मरता कोई हर पल है. ये चेहरे मस्जिद मंदिर से सारे झूठे हैं अंदर से, कभी उड़ा कभी मुड़ा किसी से ना जुड़ा. खुद से रूठा हुआ हूँ, कैसे खुद को मनाऊं? थोड़ा टूटा हुआ रूठा हुआ दिल लेके जाऊं कहां?
ये कौन है? दिलावर साहब नया पंछी पकड़ के लाए हैं। कुछ अजीब सा नहीं है? क्या मतलब अजीब सा? कुछ नहीं। बख्तावर बेटा गरम गरम चाय पी लो। अरे माँ कैसे दिल का हाल जान लेती हूँ, बहुत दिल चाल था चाय पीने का। माँ हूँ तुम्हारी, तुम्हारे दिल का हाल नहीं जानूंगी तो और कौन जानेगा। क्या बात है, मेरी बेटी के चेहरे पे खुशी किस बात की? बात तो बहुत खास है। अच्छा क्या? माँ मैंने ढाबे का काम छोड़ दिया है, मुझे बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है। तनख्वाह सुनोगी तो हैरान रह जाओगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, नौकरी से तो जान छूटी, अब ना ये बख्तू से भी जान छुड़वा लो। तुम मेरी बख्तावर हो, कब तक ये झूठ की जिंदगी जियोगी बेटा? हाँ मैं भी जान छुड़ा लूंगी झूठ से। अच्छा ये तो बताओ नौकरी पे कब से जाना है? सुबह सवेरे निकलना है माँ, पहला दिन है काम पे, चाहती हूँ हर चीज अच्छी अच्छी हो। ठीक है, बहुत अच्छी खबर सुनाई। बख्तू, ओए ओ बख्तू, कहाँ जा रहा है? ढाबा क्या दिन में भी खुलने लग गया क्या? वो नौकरी छोड़ दी मैंने। क्यों? मुझे बड़ी अच्छी जॉब मिल गई है। ए, अफसर अफसर लग गया है क्या? वो भी लग जाऊंगा, अभी बहुत बड़े अफसर के ना पर्सनल सेक्रेटरी लगाऊं। मतलब कहाँ, कौन सी कंपनी में? बता दूंगा, जल्दी किस बात की, अभी देर हो रही है मुझे, मैं निकलना है। कैसा चल रहा है काम? गुड। ये सब क्या? सब आपकी जो सारी प्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट थी वो बनाई है सर, देखें। हाँ तो सारा काम सीख गए? बड़े ज़हीन हो तुम तो, लगता है तुम्हारी ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ानी पड़ेंगी। मैं सब जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। गुड गुड, लेकिन तुम्हारी पढ़ाई का क्या होगा? तो वो भी करनी है, वो तो बहुत जरूरी है। That's the spirit. वैसे बख्तू मुझे बड़े पसंद हो, and I'm very impressed by you.
नूरा से कह देना कि मैं खाना इधर ही खाऊंगा, ठीक है? गुड जॉब। कितना डरपोक है तू। बकवास बंद कर, बिना वजह हंसने की तेरी फजूल आदत बहुत बुरी है। तुझे देख के ना खाम खांसी आ जाती है। क्यों? सच पूछो, तुझे देख के सहेली बनाने को दिल करता है? तेरी वही फजूल बातें। सुन 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 सुन, एक बात बता, छोटे मालिक साहब ने तुझे ढूंढा कहाँ से? चल निकल यहाँ से। हमारे मालिक साहब ना ऐसे ही नहीं किसी को पसंद करते, कोई तो बात है तुझे। यहाँ से फुटिया पागल। एक घंटे से तुम अपने सर की इतनी तारीफें करे जा रही हो। भाई वो हैं ही इतने अच्छे, कोई उन्हें नापसंद कर ही नहीं सकता। क्या बात करने का अंदाज है, क्या लबो लहजा है, बहुत मुख्तलिफ। अच्छा ये बताओ, वो भी तुम्हें पसंद करते हैं? हाय अभी तो कुछ ही दिन हुए नौकरी को, लेकिन तारीफ बहुत करते हैं मेरी। कहीं तुझे भी तो प्यार। पागल हो क्या भाई, किसी को पसंद करने का मतलब ये थोड़ी होता है। और वैसे भी भाई वो बहुत बड़े आदमी है, और मैं तो क्या, मैं तू है ही इतनी प्यारी कि कोई तुझे ना पसंद कर ही नहीं सकता। अरे पागल हो, मैं तो उनके सामने बख्तू हूँ। बख्तू? वो ये बात मैं फिर बताऊंगी तुम्हें। खुदा हाफिज। बात सुन नूरा, तुम्हें एक बार फिर चाय चाहिए होगी। अरे नहीं, साहब का पता करना था। तुम्हें कुछ पता है कब तक निकलने का प्रोग्राम है उनका? क्यों, मैं क्यों बताऊं? तू नहीं बताएगी तो और कौन बताएगा मुझे? इन सब कामों के लिए साहब ने बख्तू को रखा है, और बोला था कि आज से सब कुछ मेरे बारे में इसी से पूछा करो। दो दिन हुए नहीं उस बिलोंगड़े को आए हुए, और सारे इख्तियार उसे दे दिए गए। ना चला कर, वो बेचारा खुद अपने काम से काम रखता है। पता नहीं कौन सी दुनिया की मखलूक है ये। तुमने ठीक कहा, लगता किसी और ही दुनिया की मखलूक है, लेकिन है कितना खूबसूरत ना। तुझे बड़ी पड़ी उसकी खूबसूरती की। चल निकल यहाँ से, बढ़िया है खूबसूरती की ठेकेदार नहीं। धमाके से मुतअद्दिद अफराद के जख्मी होने की खबरें हैं। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। रेस्क्यू इदारे इमदादी। क्या हो रहा है इस मुल्क में, इतना जुल्म, जहां पर अब से कुछ देर कबल धमाका हुआ है, आखिर कब बदलेगा ये सिस्टम? इसीलिए तो कहता हूँ कि इलेक्शन लड़ो और सिस्टम को बदलने में अपना हिस्सा डालो, लेकिन तुम्हें तो सियासत से कोई दिलचस्पी है नहीं। अब नहीं है बाबा, और वैसे भी मुझे आपके इस बाप दादा के विरसे में दिए गए प्रोफेशन को अपनाने का कोई शौक नहीं। अलबत्ता लोगों की खिदमत ज़रूर करना चाहूँगा मैं। खिदमत? हमें खिदमत खल्क का कोई इदारा बनाने का इरादा नहीं है। ये क्या पाते ही सियासत की क्लास खोल कर बैठ गए। अभी आया है बच्चा घर पर, उसे ज़रा घूमने फिरने दें, शहर देखने दें ढंग से। सियासत के लिए तो उम्र पड़ी है, और अभी तो मुझे इसकी शादी भी करवानी है। ये क्या है अम्मी, शादी और सियासत के टॉपिक के अलावा कोई चीज़ है आप लोगों के पास? जब से आया हूँ बस आप दोनों यही बातें करे जा रहे हैं। बेटा तुम हमारे इकलौते बेटे हो, वारिस हो हमारे, बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता हैं तुमसे। और हाँ, अब तुम्हें वापस नहीं जाने देना। मैं खाने पे मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मैं देर से आऊंगा। नाराज हो गया ये तो, खानदान का नाम डुबोएगा ये। बस कर दो ना, कितना और पढ़ोगी? कल ऑफिस नहीं जाना? आज से पहले कभी छुट्टी की है जो अब करूंगी माँ। हाँ लेकिन जब तुम जल्दी नहीं आती ना तो मुझे बहुत डर लगा रहता है। माँ इतनी दफा कहा है मत डरा करो, ऑफिस में कोई भी नहीं होता, और जो मलिक साहब का घर है वो बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल आते जाते उनसे मुलाकात होती है, बड़े अच्छे इंसान है, काम से काम रखते हैं, समझो खैर ही खैर है। अच्छा चलो जाके सो जाओ, शाबाश। बंद करो ना किताबें। आ रही हूँ 5 मिनट में, 5 मिनट में पक्का, 5 मिनट में। चलो ओए होए होए होए
क्या नमूना तूने अपने साथ रखा? कोई मर्द का बच्चा नहीं मिला था तुम्हें काम पे रखने के लिए? ठीक आवाज पे ही जो है सहम जाता है। मैं ट्रेन कर रहा हूँ उसे बाबा, सीख जाएगा, पढ़ रहा है, जरा जरूरतमंद है, साथ रहेगा, सख्त जान बन जाएगा। इसकी सारी मालूमात तो गैदर कर ली थी ना, शनाख्ती कार्ड वगैरह। देख बेटा, किसी गैर आदमी को घर में नहीं रखते। ले लूंगा, डोंट वरी। तुम्हारी यही जो लापरवाही है ना, मेरा मूड खराब कर देती है। इस वक्त घर पे कौन आ गया? जी, कौन है? कौन है जी? कौन है? जी मैं हूँ, मालिक मकान नजर। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। पहली तारीख को तो अभी बहुत दिन पड़े, पख्तू को जैसे ही। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं किराया लेने नहीं आया। फिर बख्तावर है, अगर आपको कोई काम है तो आप मुझे कह सकते। असल में उसके नाम की डाक आई थी ना, तो वही देने के लिए आया। ये लीजिए, आप दे दीजिए। लाई, मैं दे दूंगी, शुक्रिया। अब एक और बात, जरा अपने बेटे को समझाएं, शीदे के साथ दोस्ती बढ़ाने की जरूरत नहीं है उसको। हर वक्त मेरे घर के सामने जो है उनकी टोली खड़ी रहती है, मुझे बहुत मायूब लगता है भाई, बेपर्दगी होती है। जी कह दूंगी मैं, खुदा हाफिज। हाँ खुदा। हमें तो आप मना करते हैं, खुद जो किराएदार के दरवाजे पे जाके खड़े हो गए। किसकी बात कर रही हैं? आपकी। कह दें कि झूठ है, बताएं चुप क्यों? मुझे सख्त गुस्सा आता है जब कोई मेरे काम में मुदाखलत करता है। आप कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते। मैं आपका शौहर हूँ, आप मेरी शौहर नहीं है। शौहर के सामने बदजुबानी, ऐसा ना हो गुस्से में मैं। थैंक यू बख्तू। सर शुक्रिया तो आपका, बड़े एहसानात हैं आपके मुझ पर। एहसानात तो तुम्हारे भी हैं मुझ पर, जिस दिन गोली लगी उस दिन तुम्हारी वजह से ही तो बचा हूं। तुमने बाबा की बात का बुरा तो नहीं मना? नहीं नहीं सर, वो बड़े हैं और आपके वालिद साहब हैं, मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है। मैं जितना आजाद होना चाहता हूँ वो उतने ही मेरे पैरों में जंजीरें बांधना चाहते हैं। मेरे उनसे इख्तलाफात तो बहुत हैं, लेकिन कभी उनको नाराज करने की गुस्ताखी नहीं की। अपना अलहदा से ऑफिस खोलना चाहता हूँ मैं। तुम्हारे प्लान्स क्या हैं एग्जाम के बाद? सर कोई फुल टाइम जॉब ढूंढूंगा। बस फिर हमारा साथ तो पक्का हुआ? नहीं सर, वो मैं यहाँ पे जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकूँ। वजह? एनीवेज जैसे तुम्हारी मर्जी। काश मैं आपके सामने असल रूप में आ सकती। जानती हूँ आपको झूठ और धोखे से कितनी नफरत है। काश आपसे बख्तावर बनके मिल सकती।
टाइम टू चेंज द कुक, ना खाना अच्छा बनाता है ना चाय अच्छी पिलाता है। तुम्हें उस जनाना मस्खरे के हाथ की चाय पीने की आदत हो गई है। काफी गलत बात है बाबा, एक मर्द अच्छी चाय या अच्छा खाना नहीं बना सकता। तुम उसे मर्द कहते हो? क्या हो गया तुम्हारी अकल को? भाई किसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोग? तुम्हारे बेटे ने एक मुलाजिम रखा है, एक सेक्रेटरी, बल्कि सेक्रेटरी से ज्यादा मुझे वो खानसामा लगता है। अच्छा, अगर वो इतना ही अच्छा खाना बनाता है तो उसे यहाँ बुला लें, घर पर जरूरत है हमें, क्योंकि उस नए खानसामा से मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं। तुम्हारी माँ सही कह रही है, तुम्हें तो कहा था वो एक मेहनती और वफादार आदमी है, ऐसे शख्स की हमें यहाँ कोठी में जरूरत है, उसे यहाँ बुलवा लो। कैसी बातें कर रहे हैं आप लोग? बेचारा बीए कर रहा है, उसको मैं यहाँ बुला के रोटी और हांडियों पे लगा दूं? तुम क्या उसे कोई अफसर बनाना चाहते हो? औकात है इतनी उसकी? वो वही करेगा जो उसे करने के लिए कहूंगा मैं। इसको मेरी हर बात से इख्तलाफ होने लगा है, इससे पहले कि मेरे हाथ से निकल जाए मुझे इसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। बाप्तू। कोई काम ढंग से आता है तुझे? नहीं आता, हंसती रहती हर वक्त। अच्छा, मैं हर वक्त रोऊं क्यों? ऐसा क्या बुरा हुआ है मेरे साथ? तेरा बाप तुझे यहाँ काम के लिए छोड़ गया, घर वालों से दूर है, तुझे घर वाले याद नहीं आते? मैं तो शुक्र करती हूँ, इतना ख्याल तो मेरा अब्बा भी नहीं रखता था जितना छोटे मालिक और मालकिन साहिबा रखते हैं। पता है उर्दू का कायदा, अंग्रेज़ी की किताब ला के दिए, कहते हैं पढ़ा करो, कि मुझे ना पढ़ने वढ़ने का कोई शौक़ नहीं। फिर किसका शौक है तुझे? मुझे नए नए कपड़े, नई नई चीज़ें खरीदने का, ड्रामे देखने का, झूला झूलने का। पागल। नूरी, यहाँ क्या कर रही है तुम? मलकानी तुम्हें बुला रही है। इसे इस वक्त इतना प्यारा लग रहा है ना, अगर आईना देख लेना तो सारी बुरी शक्लें पुराना भूल जाए। क्या फजूल बात कर रही है? सच कह रही हूँ। इसे एक बात तो बता, अब तक तुझ पे कोई लड़की मरी कि नहीं? पागल। यार चीते, वक्त तो इतने दिनों से नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कि किसी और शहर जाकर नौकरी कर लियो। अपनी माँ बहन को छोड़ के जा नहीं सकता वो, और वैसे भी इतनी जल्दी नई नौकरी छोड़ेगा नहीं वो। तो ऐसा करते हैं कि हम उसके घर जाकर पूछ लेते हैं, सिंपल है। बोल। आज ही साहब की बीवी ना पंजे झाड़ के तेरे पीछे पड़ जाएगी। म्याँ, म्याँ। देगा नहीं तूने? तो कुछ और प्लान करते हैं। ऐसे यार शीदे, तू अपनी माँ की उसकी माँ से दोस्ती क्यों नहीं करवा देता? ये भी ठीक कही तूने, इसी तरह अंदर की खबरें पता चल सकती हैं। ठीक है, दिमाग चल लिया तेरा। आ जा। मलिक साहब, मेरी बेटी को तालीम हासिल करने का बहुत शौक है, मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन जाए और इस बुढ़ापे में मेरा सहारा बने। औरत को तो सारी ज़िंदगी खुद सहारे की ज़रूरत पड़ती है। खैर, ये बताओ तुम्हें हमसे क्या चाहिए? मलिक साहब, मैं अपनी बेटी का दाखिला हॉस्टल में करवाना चाहता हूँ, मगर गांव वाले और बरादरी वाले मुखालफत कर रहे हैं। गांव में तो जिरगा बैठ गया इसके दाखिले का सुनकर, कोई नहीं चाहता कि वो तालीम हासिल करे। कहते हैं कि पढ़ लिख गई तो ख़ानदान की रसवाई का बाइस बनेगी, आज़ाद हो जाएगी, खुद सर हो जाएगी। ठीक ही तो कहते हैं, थोड़ी सी भी हवा लगेगी पर निकालेगी और उड़ जाएगी, इसलिए उसे ऊंचे ऊंचे ख्वाब दिखाने की कोई जरूरत नहीं। कोई अच्छा सा रिश्ता ढूंढो और हाथ पीले कर दो अपनी बेटी के, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। बाबा क्या कह रहे हैं आप? समझा, बाद में बात करते हैं। जी जी मलिक साहब। तुम्हें यहाँ मशवरा देने के लिए नहीं बिठाया, बल्कि मौका शनासी सीखने के लिए बिठाया है कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लोगों को किस तरह से डील करना है। लेकिन ये इंसाफ तो नहीं है। अब हमें इंसाफ आपसे सीखना पड़ेगा। वक्त में ऑफिस में लेकर जाओ।
सर, सर आप ठीक हैं? दावत पे भी जाना था, काफी लेट हो गया। पखतू मेरा कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा। जब से सियासी एक्टिविटी शुरू की है ना, हर चीज से दिल उठ गया है। एक अजीब सी कैफियत छाई रहती है। सर एक बात कहूं, अगर बुरा नहीं मनाए तो? बोलो। अगर आपको सुकून की तलाश है तो अच्छा इंसान बने, जो आप हैं, अच्छा सियासतदान नहीं, बाकी आपकी मर्जी है। देर हो गई, तुम्हें जाना नहीं? जी मैं निकल रहा हूँ। अच्छा एक काम करो, अमीन ने कहो तुम्हें ड्रॉप करा है। मैं खुद चला जाऊंगा। मखदूम जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो। कुछ कहना चाहते हो? कहना ये चाहता हूँ कि तूने न जाने दिलावर साहब को कौन से बाबा के तावीज घोल घोल के पिलाए हैं कि वो तेरा इस हद तक ख्याल रखने लगे हैं। ऐसी कोई बात नहीं, दिलावर सर हैं ही बहुत अच्छे, मेरा ही नहीं सबका ख्याल रखते हैं। वो तो मैं भी जानता हूँ, लेकिन तूने जिस तरह भाग भाग के दौड़ दौड़ के अपने नंबर बढ़वाए ना, वो सब नजर आ रहा है। वैसे ऐसी कौन सी खास बात है तुझ में जो हमें नजर नहीं आती? हाँ? चल चल ज्यादा बातें मत मिला, बुरी गली। अच्छा जी, अरे बख्तू वाह, अरे बड़ी टोर बन गई तेरी, ना सलाम ना दुआ, बड़ा मगरूर हो गया तू। मगरूर नहीं हुआ हूँ, मसरूफ हो गया हूँ। मलिक दिलावर को छोटा आदमी नहीं है, एमएनए का बेटा है। अब होगा किसी एमएनए का बेटा, हमें क्या है? वे यार बक्तू, तेरे तो बड़े मजे आते होंगे यार, बड़े लोगों की बड़ी महफिलें खूब जमती होंगी, कभी हमें भी ले चल यार, बड़ा मजा आएगा। आगे एक लफ्ज बोला ना तो बना क्या? मेरे का हाथ ना रख, क्या कर लेगा, क्या बिगाड़ लेगा हमारा? एक दफा मलिक दिलावर से कहूंगा ना, तुझे सीधा जेल में दफा करेगा वो। सीधा जेल में दफा करेगा? मैं किसी के रोब में नहीं आता। और मलिक मैंने ऐसे मलिक को गाली दे रहा, तेरी तो। सलाम खाला, ये सब क्या हो रहा है? चलो तुम मैं बगाड़ लूंगा तेरा, खाओ खाओ तुम भैया जी करो तुम। शीदा ठीक ही कहता था, रात भर वहां महफिलें जमती होंगी, पीना पिलाना चलता होगा, और मैं तुम्हें उस माहौल में नहीं भाई नहीं इजाजत नहीं दे सकती हूँ काम करने। अरे माँ शीदे की बात पे क्यों गौर करती हूँ, मैंने कितनी दफा बताया है वहाँ का माहौल बड़ा अच्छा होता है, और सबसे बढ़कर दिलावर साहब बहुत अच्छे, मेरा खास तौर पे बड़ा ख्याल रखते हैं। ये कहकर तो तुमने मुझे और डरा दिया कि वो सिर्फ तुम्हारा ख्याल रखते। अरे माँ भूल क्यों जाती हो, वहां पे मैं वक्तू के रूप में जाती हूँ। ये तो मैं भूलेंगे,
हेलो, दिलावर से बात करवाएं। जी आप कौन? दिलावर ऑफिस में है या नहीं, तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। जी वो ऑफिस में ही है। तो उनसे कहें कि अपनी कॉल रिसीव करें, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। आपका नाम? जितना कहा है सिर्फ उतना जाकर कहो। जी मैं आपका पैगाम दे देता हूँ। सर वो उनका फोन आया है। बिजी हूँ। लेकिन सर वो कह रही है कि। कहा ना बख्तू, ना आज मैंने किसी से मिलना है ना बात करनी है। मैम आप अंदर नहीं जा सकती। तुमसे किसने पूछा है? मैम मेरी बात सुने। वो मैम सर बिजी है। जानते नहीं मैं कौन हूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। खड़ी क्यों हूं? अब आ ही गई हो तो बैठ जाओ। मैं यहां बैठने नहीं आई। फिर? तुमसे लड़ने आई हूं। लड़ तो हम बचपन से ही रहे हैं, इसमें ऐसी कौन सी नई बात है? बात को मजाक में मत उड़ाओ। अच्छा बताओ, चाय या कॉफी? इस वक्त कुछ भी नहीं। फिर क्या चाहिए? वी आर गोइंग फॉर लंच। ओके लेट्स गो। बख्तू मैं जा रहा हूँ, तुम्हें छुट्टी करनी है तो कर लो। जी सर। इसको तुमने अभी रखा है? हाँ। छुट्टी कर दो उसकी। मैं इसको तुम्हारे सामने ही तो कहा छुट्टी करने दो। पक्की वाली। क्यों? गवार है, बात करने की तमीज नहीं है इसे। अरे नया आया है, काम सीख रहा है। लेट्स गो। मैं आऊं तो ये यहाँ नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ चलो। कितनी प्यारी है ना हुरिया दीदी। हुरिया बीबी? हाँ बहुत बड़े बाप की बेटी है और गुस्सा तो जैसे नाक पे ही धरा रहता हूँ। बड़ी मुश्किल से राजी हुए छोटे मलिक साहब शादी के लिए और अब राजी हो गए। मुझे लगता है जल्द ही दोनों की शादी हो जाएगी। क्या हुआ, लगता है तुम्हें हुरिया बीबी पसंद नहीं आई? मेरी पसंद ना पसंद से क्या ताल्लुक हो रही है बीबी का? हाँ ये तो है। अच्छा छोड़ो, तुम बताओ तुमने अपने लिए कोई लड़की देख रखी है क्या? क्या मतलब? पता है उधर गांव में ना मेरे चाचे का बेटा है, बुरी तरह मरता है मुझ पे। तो मैं अचार डालूं उसका? उसके नाम पे इतना सड़ क्यों रहे, कहीं मैं पसंद तो नहीं? पागल हो गई हो? पागल, निकल यहां से। Thank you.
अब बताओ गुस्सा क्यों आ गया था तुम्हें? ये भी कोई पूछने की बात है? तुम्हें नहीं पता? नहीं। मुझे पाकिस्तान वापस आए हुए 3 दिन हो गए, लेकिन तुमने एक बार भी कनेक्ट करने की कोशिश नहीं की। अब ये मत कहना कि तुम्हें पता नहीं था कि मैं वापस आ चुकी हूँ। मैं जेन्युइनली बहुत बिजी था, वरना मैं तुम्हें जरूर कॉन्टेक्ट करता। सबने वेलकम किया लेकिन बस मंगेतर ने नहीं। मंगेतर? तुम्हारी मंगनी हो गई? हुई नहीं है, होने वाली है। ओह कांग्रेचुलेशंस, होने बदकिस्मत। मैं जानती हूँ तुम मजाक नहीं कर रहे, तुम दिल से नहीं चाहते कि हमारी मंगनी हो। तुम कब से मेरे दिल और दिमाग की बात सुनने लगी? काश मैं जान सकती कि तुम्हारे दिल में क्या है। कहाँ जा रही हो, खाना तो खा के जाओ। लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि तुम अपने दिल में कुछ छुपाए बैठे हो जो तुम्हारी आंखों और चेहरे पर आ जाता है। क्या? कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। I'm not afraid to die.